अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जहां अरास किचन। आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। आज हम बनाएंगे साबूदाना अंडा भुर्जी की रेसिपी। साबूदाना की रेसिपी इससे पहले आप सब बहुत सारे देखे भी होंगे और इससे पहले बहुत सारे बनाकर भी खाए होंगे, लेकिन आज की जो रेसिपी है आप सबके लिए बहुत ही यूनिक है और इस रेसिपी को एक बार अगर आप बना लेते हैं अपने घर पर आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा और साथ में हेल्दी रेसिपी बनकर भी तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा साबूदाना अंडा भुर्जी की रेसिपी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। साबूदाना अंडा भुर्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने स्टोव के मीडियम टू लो फ्लेम पर एक कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई के गर्म होते ही हमें यहाँ पर आधी कप के करीब तेल डाल लेना है और जब तेल गर्म हो जाएगा हम यहाँ पर एक छोटी चम्मच साबुत जीरा, 3 से 4 हरी मिर्च को बीस से चीर कर डाल लेना है और उसी के साथ यहाँ पर 6 से 7 करी पत्ते को हमें डाल लेना है। 6 से 7 सेकंड के बाद अब हम यहाँ पर 4 से 5 मीडियम साइज़ के प्याज को काट कर डाल लेते हैं और प्याज हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस हल्का सा नरम करना है। तो मैं यहाँ पर स्टोव का फ्लेम हाई टू मीडियम पर कर लेती हूँ। तो चलिए पहले हम प्याज को हल्का सा नरम कर लेते हैं। जब तक हमारा प्याज नरम हो रहा है तो मैं यहाँ पर आप सभी को दिखा देती हूँ, मैं यहाँ पर 1 कप साबूदाना को 6 से 7 घंटे पहले से पानी में भिगो कर रख लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारा साबूदाना इस तरह से फूल चुका है और खिला खिला सा है। साबूदाना अगर आप जिस वक्त भी भिगाएं ज़्यादा पानी ना डालें, अगर आप ज़्यादा पानी में उसे भिगो देंगे तो आपका साबूदाना इस तरह से खिला खिला नहीं बनेगा। मैंने 1 कप साबूदाने में आधी कप से ऊपर तक थोड़ा सा पानी डाला है, तो पानी डालकर मैंने इसे 6 से 7 घंटे पहले से पानी में भिगो लिया है। तो हमारा साबूदाना जो है बिल्कुल तैयार है पकने के लिए। तो चलिए अब हमारा प्याज जो है हल्का सा नरम हो चुका है, अब मैं यहाँ पर 1 छोटी चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेती हूँ और इसे मैं 2 से 3 मिनट के लिए प्याज के साथ हल्का सा भून लेती हूँ ताकि इसका कच्चा टेस्ट जो है वो निकल जाए। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट को प्याज में भून लिया है। अब मैं यहाँ पर पाउडर मसाले डाल लेती हूँ। पाउडर मसालों में हमें चाहिए 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। अब हम इन पाउडर मसालों को भी 2 से 3 मिनट के लिए प्याज के साथ हम भून लेते हैं। स्टोव का फ्लेम उसी तरह से हमें हाई टू मीडियम पर ही रखना है। तो अब मैं यहाँ पर 4 अंडे को फोड़ कर डाल लेती हूँ। मैं यहाँ पर 4 अंडे का भुर्जी बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर 4 अंडे यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर 2 या फिर 3 भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हमें अच्छी तरह से अंडे को खड़ा लेना है। तो यहाँ पर स्टोव का फ्लेम हम लो कर लेते हैं, लो फ्लेम पर हम इसे अच्छी तरह से खड़ा लेते हैं प्याज के साथ। अंडे को मैंने अच्छी तरह से खड़ा लिया है। अब मैं यहाँ पर 1 छोटा सा टमाटर को बारीक काट कर डाल लेती हूँ और इसे मैं अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। आप चाहें तो टमाटर को यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। इसी दौरान मैं यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल लेती हूँ, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है लेकिन तीखापन बहुत कम रहता है। इसी दौरान मैं यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गर्म मसाला पाउडर और थोड़ा सा नमक भी मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच के करीब नमक डाला है, तो आगे भी हम टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे जिस वक्त हम साबूदाना ऐड करेंगे यहाँ पर। तो चलिए हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। 4 से 5 मिनट के लिए स्टोव के लो फ्लेम पर मैंने अंडे को अच्छी तरह से खड़ा लिया है। अब मैं यहाँ पर साबूदाने को ऐड कर रही हूँ और साबूदाने को हमें अंडे भुर्जी के साथ 2 से 3 मिनट के लिए स्टोव के लो फ्लेम पर पकाना है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ साबूदाना के हिसाब से और साथ में ही 1/2 छोटी चम्मच कसूरी मेथी अच्छी तरह से हाथ से क्रश करके डाल लेना है और हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हमारा साबूदाना भी अच्छी तरह से फूल कर सॉफ्ट हो जाएगा। सबसे आखिर में मैं यहाँ पर 1/2 कप के करीब हरी धनिया को बारीक काट कर डाल लेती हूँ, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छी आती है। तो फ्रेंड्स, अब हमारा साबूदाना अंडा भुर्जी बिल्कुल बनकर तैयार है। अब मैं स्टोव को ऑफ कर देती हूँ और इसे मैं गर्मा गर्म सर्व करती हूँ। आप इसे रोटी चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठे के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार की बनती है और साथ में हेल्दी भी है। तो फ्रेंड्स, इस भुर्जी को आप अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, साबूदाना अंडा भुर्जी आप लोगों को कैसी लगी आज की रेसिपी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और इसी तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुँचेगी और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे।
तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।